स्कूल में टोपी लगाने को लेके वीडियो बनाने को कहा था, क्या पूरा है किस तरीके से? जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कर्नाटक के अंदर हिजाब का प्रकरण तेजी से बढ़ा और वहां शांति फैली, उसी की तर्ज पर न्यायनगर हवेलिया में एक विद्यालय चलता है न्यायनगर पब्लिक स्कूल, उसके प्रिंसिपल के द्वारा एक निर्देश जारी किया गया बच्चों को कि 20 मिनट का या वीडियो बनाकर भेजेंगे जिसमें कुर्ता पैजामा और जालीदार टोपी पहन करके ईद मुबारक बोलेंगे और अपना नाम बताएंगे जिस पर परीक्षा में आपको वेटेज दिया जाएगा। तो इस हिसाब से जहां सभी धर्म संप्रदाय पंथ के बच्चे पढ़ते हों उनके अंदर उनकी मानसिकता में ये भर देना कि जालीदार टोपी पहनने से ही हमको परीक्षा में नंबर ज़्यादा मिलेगा तो ये अच्छी बात नहीं है। ये सब ऐसी घटना कारित करके हिंदू समाज में एक धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई, उत्तर प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई, जिसके लिए मैंने प्राथमिकी दर्ज कराया है और मैंने ये मांग किया है कि प्रधानाध्यापिका की गिरफ्तारी होनी चाहिए जिन्होंने ऐसा घृणित कार्य किया है, साथ ही विद्यालय की मान्यता रद्द होनी चाहिए, विद्यालय में फंडिंग कहाँ से आ रही है उसकी जाँच होनी चाहिए, विद्यालय किस भूमि पर बना हुआ है, अगर सरकारी भूमि पर बना है और उनके द्वारा ऐसा राष्ट्र विरोधी कृत्य किया जा रहा है, समाज विरोधी कृत्य किया जा रहा है तो उस विद्यालय के ऊपर योगी जी का बुलडोजर चलना चाहिए जिससे उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रहे। क्या मानसिकता रही होगी प्रिंसिपल की इसके पीछे? उनकी मानसिकता ये धर्मांतरण का प्रथम चरण था उनका, जैसे किसी भी छोटे बच्चे नौनिहाल बच्चे को जो नर्सरी से और यूकेजी वाले छात्र हैं अगर उनको ये कहा जाएगा कि आप जालीदार टोपी लगा के वीडियो बना के भेजेंगे तो आपको हम परीक्षा में नंबर देंगे, दो नंबर देंगे, चार नंबर, पांच नंबर, तो अपना सब कुछ वो जालीदार टोपी को ही समझेगा कि उसी को लगाने से ज्यादा फायदा है। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर जो उनको मोटिवेट करके धर्मांतरण के ओर ले जाने का कार्य किया जा रहा है इसी का हमारा विरोध है। मैंने FIR किरगन थाने में अपराध संख्या 72 धारा 295 ये 153 ये व 67 IT का एक्ट के तहत दर्ज कराया है और उसमें प्रिंसिपल को मैंने नामजद किया है। मेरा नाम लालमण तिवारी है, मैं प्रांत मंत्री हूँ विश्वहिंदू परिषद गौरक्षा काशी प्रांत। ये थाना कीटगंज जिला प्रयागराज का एक मामला है जिसमें एक पब्लिक स्कूल है उनकी प्रधानाचार्य द्वारा कथित रूप से एक मैसेज भेजा गया स्टूडेंट्स को कि ये खास परिधान धारण करके और हैप्पी ईद बोलना है। इस तरह का एक कंप्लेंट एक मिस्टर लालमणि के द्वारा थाने पर दिया गया। उनका कहना था कि ये एक खास धार्मिक भावना भड़काने के लिए ये उपक्रम किया जा रहा था, हमारी FIR दर्ज करके इसको विवेचना की जाए। तो चूंकि बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट था और उनका वर्जन हमारे सामने नहीं आया है तो इसलिए एक महत्वपूर्ण मामला मानते हुए इसको FIR सुसंगत धाराओं में जिसमें 295A और 153A जैसी धाराएं उसमें लगाई गई हैं उसमें दर्ज कर लिया गया है, इसकी निष्पक्ष विवेचना की जाएगी। और ख़ास तौर पे यदि कोई इंटेंशन उनकी प्रधानाचार्य का नहीं है ऐसा तो मामला ख़त्म किया जाएगा, लेकिन अगर इंटेंशन के तहत जबरन कोई कार्य कराए जाने की मंशा है तो उसमें निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।